हो श्रीमान जी, हो श्रीमती जी। सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी, प्यारी श्रीमती जी। मम्मी पागल, मम्मी पागल, मम्मी पागल। ए चिंटू, मुझे पागल बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैं तो उस आदमी को बोल रहा हूँ, रोड पे अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अजीब हरकतें? अब क्या बजे है चिंटू? शाम के 7 बजे। क्यों, कहीं वो तुम्हारे डैडी तो नहीं? अरे मम्मी, डैडी तो सिर्फ घर पर अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो तो रोड पर कर रहा है। ए चिंटू, आजकल बहुत बोलने लगा है तू, चल जा भाग जा। अरे कोकी, चिंटू को बाहर मत भेजना। क्यों? वो बद्री नारायण पत्थर मार रहा है। बद्री नारायण? ये अपने सामने वाले बद्री जी? हाँ वही, वो पागल हो गया। लेकिन क्यों? वो हुआ ऐसे कि उसकी बीवी कुछ दिनों पहले अचानक गुजर गई और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे रे बेचारा। लेकिन वो तो हमेशा अपनी बीवी से लड़ता रहता था। अरे मर्दों की यही तो खूबी होती है। क्या? जिंदगी भर बीवी से लड़ते रहते हैं और उसके मर जाने के बाद उसके गम में पागल हो जाते हैं। हाँ गंगा मौसी, ये गंगा मौसी, कहीं वो पागल यहाँ तो नहीं आ रहा है? केशु, क्या हुआ केशु? अरे पागल ने, साले ने मुझे पत्थर मारा कोकी। जरूर वो बद्री नारायण होगा। बद्री? अच्छा वो बद्री है? साला बद्री का बच्चा, मैंने भी फिर उसको एक पत्थर मारा। अब तो मोहल्ले में दो दो पागल हो गए। जानते हैं केशु जी, वो पागल क्यों हो गया? उसकी बीवी मायके से वापस आ गई होगी। अरे नहीं नहीं, उसकी बीवी अचानक गुजर गई। क्या? हाँ। पागल कहीं का। केशु, कल अगर मैं मर गई तो तुम भी मेरे लिए ऐसे ही पागल बन जाओगे? नेचुरली डार्लिंग, मैं भी पागल हो जाऊंगा, लेकिन मारे खुशी के। केशु, ए, मारना नहीं वरना मोहल्ले में 3 पागल हो जाएंगे। कुकी, अरे ये क्या, आज यहाँ कोई बीच में सोने वाला है क्या? मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। अरे डार्लिंग, मुंह नहीं देखना चाहती हो तो बत्तियां बुझा दो, फिर क्यों लेती हो? तुम चुप रहो। सुबह गंगा मौसी के सामने क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? कि अगर मैं मर गई तो तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। अरे डार्लिंग, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मजाक मजाक में कह दिया। झूठ नहीं, सच कह रहा हूँ। अभी तुम ही बताओ, गंगा मौसी के सामने मैं ऐसा कहता कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ। जाओ जाओ। नहीं मैं सच कह रहा हूँ डार्लिंग। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक काम करो कोकी, तुम मर के दिखाओ। ओके। केशु। हेलो प्रेमा आंटी। ओ चिंटू, गुड मॉर्निंग। गुड बाय। क्यों, तुम कहीं पिकनिक पर जा रहे हो? नहीं, हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। चिंटू मैं नहीं जा रहा हूँ प्रेमा जी, मैं तो यही रहूंगा अकेला। अच्छा, ये सब जा रहे हैं। कोकी, कोकी जल्दी चलो, गाड़ी का समय हो गया है। हाँ, आ रही हूँ गंगा मौसी। चलो केशु को बुलाती हूँ। हाँ। केशु। एक्सक्यूज मी। आया। केशु, इसी तरह बालकनी में से झांकते रहोगे ना तो एक दिन नीचे गिर जाओगे। अब बस भी करो, हम लोग निकल रहे हैं। आया 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 डार्लिंग। क्या कोकी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जल्दी थी? वैसे बुढ़ापे में मैं खुद तुम्हें ले जाता। मैं आऊंगी ना अगले साल तुम्हारे साथ। क्यों, अगले साल तुम बूढ़ी हो जाओगी? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। वैसे गंगा मौसी, तुम सब जा कहाँ रहे हो? हम लोग हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जा रहे हैं, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर? एक कोकी, शिव जी के पास मेरे लिए क्या मांगोगी? थोड़ी सी अकल। चलो चलो कोकी, देर हो रही है, चलो चलो। सबका ख्याल रखना गंगा मौसी। फिकर मत करो, मेरी भांजी भी तो है साथ में। अच्छा भांजी है? हाँ, कल ही गांव से आई है। okay, हम दोनों मिलकर कोकी और चिंटू का पूरा ख्याल रखेंगे। okay, निकलते हैं। okay. चिंटू बेटा चलो। चलो चिंटू। बाय डैडी। बाय बाय बेटे। चलो चलो केशव, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों का ख्याल तो तुम रखोगे ही, साथ में अपना भी रखना। वैसे कोकी जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। सच कह रहे हो? हाँ। ठीक है तो मैं नहीं जाती। अरे क्या पागलों जैसी बातें करती हो, थोड़े दिन निकल जाएंगे, जाओ बाय। अरे, 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 अरे,
तो जाने से पहले ही अपशगुन हो गया। दिलरुबा जी, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। लेकिन आप वापस लौट कर कब आएंगी? शायद कभी नहीं। अच्छा वेरी गुड, मुझे वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। क्यों, आप आएंगे वहाँ? मैं तो स्वर्ग जा रही हूँ, आएंगे वहाँ? उनको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा चलो मैं निकलती हूँ, केशव मुझे याद करते रहना। मैं याद करूंगा ना। मेरा जवाब ये दे रहे। अच्छा चलो बाय। बाय केशव। अबे क्या बाय बाय कर रही हो, निकलो ना अभी, इतनी देर लगाओ तो वापस आने का समय हो जाएगा। चलो। क्या कर रहे हो दिलरुबा जी? अरे बैग उठा। अरे क्यों, कोई बात नहीं, इट्स माय प्लेस। संभाल के संभाल के संभाल के माय प्लेस। संभालो संभालो संभालो। बाय बाय। मुझे लगता है ये गिरेगा। गिरा। गोखले, अपने कुलकर्णी इतने खुश क्यों? उनकी बीवी बाहर गाँव गई है। गोखले एक बात तो बता। हाँ। बीवी मैके जाने से तुम मर्दों को इतनी खुशी क्यों होती है? हाँ, पहले ये बताओ मैके जाते वक्त तुम औरतों को इतनी खुशी क्यों होती है? हमको तो ऐसे लगता है मानो जेल से छुटकारा मिल गया हो। बस तो फिर मर्दों को लगता है कि मानो जेलर से छुटकारा मिल गया। हेलो हेलो केशु जी, मैं गंगा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो गंगा। आप लोग वापस आ गए क्या? केशु जी ये मजाक करने का वक्त नहीं है, बहुत बुरी खबर है, हमारी कोकी। क्या कोकी वापस आ गई? नहीं नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वेरी गुड। व्हाट, चली गई मेरी माँ, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अरे मेरा नाम, मेरा बच्चा, मेरा चौथा बाबा, मेरा उधर बैठ कर रो। अबे मोटे उधर बैठ कर रो, तेरा डैडी आएंगे तो उनके साथ रोना। चिंटू डैडी डैडी। अरे यार क्या कर रहा है डैडी? ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे तू डैडी डैडी क्यों बोल रहा है? मैं तेरा बाप हूँ क्या? क्यों रो रहा है? बीबी किसकी है, मेरी या तुम्हारी? चुप चुप, चुप हो जा। गंगा मौसी, गंगा मौसी, चुप हो जा, चुप चुप। गंगा मौसी आप मजाक कर रही है, कोकी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो यही कहीं छुपी होगी। कोकी कोकी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, देखो ज्यादा मजाक अच्छा नहीं, बाहर आ जाओ। अरे कोकिला अभी तो तुम्हें बहुत सारे गहने खरीदने हैं, बाहर आ जाओ। गंगा मौसी कोकी गहनों का नाम सुनकर भी बाहर नहीं आई, यानी कि कंफर्म। अरे चुप हो जा, मेरी मेरी गई है, तेरी नहीं गई है, चुप हो जा। श्रीमान जी, प्यारी श्रीमती जी। हाँ केशव, कोकी हम सबको छोड़ कर। ये सब कैसे हो गया? हम सब लोग बर्फीली चोटी पर गए थे, वहाँ से वो नीचे देखने गए गई, लेकिन कोकी की लाश कहीं पता नहीं चला। हम सब लोगों ने उसे बहुत तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गंगा मौसी, कोकी की लाश को जानवर खा गए होंगे। चुप हो जा, बीवी मेरी गई है। केशव जी ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रेमा जी, प्रेमा जी, ये सब क्या? ये सब कैसे हो गया प्रेमा जी? शांत हो जाइए केशव जी। अब ये मेरे प्यारे से चिंटू को दूसरी कोकी कहाँ से लाके दूंगा? पत्नी गई तो मेरी बीवी के साथ लिपट के क्यों रो रहा है? छोड़ना। पता नहीं कुलकर्णी जी पर क्या बीत रही होगी। So sad. सुना है कुलकर्णी की बीवी स्वभाव की बड़ी अच्छी थी। तारो रे बिंदिया, गुड मॉर्निंग। गोखले सर,
क्या बात है, सब लोग खामोश क्यों हैं भाई? आज तो पगार का दिन है। बात यह है सर कि अपने केशव कुलकर्णी की बीवी स्टॉप इट, ये ऑफिस है, यहाँ पर इस तरह फूट फूट के तबीयत हो जाता है जब नौकरी चली जाती है। गोखले, आज स्टाफ की तरफ से हम दोनों शाम को केशव को विश करने जाएं। विश करने नहीं सर, मिलने जाएंगे। कोकिल तुम मुझे छोड़कर कहाँ चलेंगे? डैडी डैडी, गंगा मौसी आ रही है। केशव गंगा मौसी, गंगा मौसी मेरी खोगी कहाँ चली गई? केशव याद है गंगा मौसी, एक बार खोगी ने मुझे सवाल पूछा था, केशव अगर मैं मर गई तो क्या तुम पागल हो जाओगे? हाँ केशव, और तुमने क्या जवाब दिया था वो भी मुझे याद है। मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? बनाएगी। अच्छा? क्या नाम है इसका? गौरी, अपना नाम बता। मुझे शर्म आती है। नाम बताने में क्या शर्माना, अपना नाम बताओ गौरी। शर्म आती है कहा ना? इसकी शादी हो गई गंगा मौसी? मैं कुंवारी हूँ बाबूजी। कुंवारी हो तो फिर ये घूंघट क्यों नहीं हटाती? हमारे यहाँ शादी के पहले घूंघट नहीं हटाते। गंगा मौसी, मुझे नौकरानी नहीं चाहिए। ये नौकरानी नहीं है तो अपना घर समझ के रहेगी। अच्छा? हाँ, और वैसे भी यात्रा के दौरान चिंटू को उसकी आदत सी हो गई थी। अच्छा? हाँ डैडी, और मम्मी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें अपनी मम्मी समझ लेना। अच्छा? हाँ। प्रेमा जी भी यहीं रहती है ना? हाँ सर। तो पहले उनके यहाँ चले, बेचारी बहुत दुखी होंगी ना। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैंने गलत कहा? बिल्कुल गलत। क्या है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना किसी के यहाँ जाने का ऐसे मौके पर। वैसे केशव का भी है पहला ही एक्सपीरियंस है। क्या पता। बुकले, एक्सक्यूज मी, बुके लाना तो भूल ही गए। सर ये बुके देने का मौका नहीं है, फूल बनाओ। ओके। क्या करे केशव, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। केशव बहुत दुख हुआ सुनकर, मिसेज कुलकर्णी तो बहुत बढ़िया महिला थी। क्यों गोखले? करेक्ट सर। हाँ? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है, लगता है कोकी भाभी किसी भी वक्त किचन से बाहर आएगी। बाहर कैसे आएगी, तू भी कुछ भी बोलता रहता है। क्या है ऊपर? ये कौन है? सर अभी तक वो डिसाइड नहीं किया। नहीं मतलब वो हमारी पड़ोसन है सर। You mean to say प्रेमा जी? नहीं नहीं नहीं, वो हमारी गंगा मौसी जो है ना, उनकी भतीजी है सर। केशव, excuse me, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। बेचारी तीर्थ यात्रा पर गई थी, पहाड़ की बर्फीली चोटी पर चढ़कर नीचे कुछ देखने गई। केशव तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे। क्यों, क्या हुआ सर? अरे क्या जरूरत थी पगले अपनी बीबी को अकेले बर्फीली चोटी पर भेजने की? यू नो आइस इज वेरी डेंजरस, इसी डर से मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम तक नहीं खिलाता हूँ। ऐसी पत्नी क्या बार बार मिलती है? क्यों गोखले? यू आर राइट सर, एंड ऐसी गलती मत करना, समझे? चलो गोखले। एक्सक्यूज मी केशव, वो बर्फीली चोटी है कहाँ? वो सर वो हिमाचल प्रदेश में कहीं है सर। ठीक से पता करो और मुझे बताओ। क्यों सर? क्योंकि मुझे भी अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा पर भेजना है। सर,
ये नौकरानी कैसी है? पता नहीं, हमेशा घूंघट में रहती है। लेकिन तुमने उसका चेहरा तो देखा होगा। अरे कहा तो सही, हमेशा घूंघट में रहती है। कहीं ये कोकी भाभी तो नहीं? शोर किया तो जिंदगी भर के लिए कमारी रह जाओगी। सो जा, सो जा, सो जा। कोकी, कोकी जरा चाय। ओ, मैं तो भूल ही गया कि कोकी अब है ही नहीं। कोकिला, कोकिला, अब तुम्हारे बगैर सुबह सुबह मुझे चाय कौन पिलाएगा? चाय बाबूजी। ओ, मैं तो भूल ही गया कि कोकी का एक सब्स्टिट्यूट भी आ गया है। कैसी है चाय बाबूजी? रेलवे स्टेशन पर इससे अच्छी मिलती है। बाबूजी, कल रात आपने मेरे घूंघट को क्यों छुआ था? वो क्या था कि तुम्हारे घूंघट पर एक कॉकरोच बैठा था। अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे वाह, मुझे ये पता होता तो घूंघट को हाथ लगाने के बजाय तुम्हारे मुंह पे कॉकरोच की दवाई डालता। मैं इतने बड़े हूँ? अब मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम गंगा मौसी की भांजी हो या भांजा हो। तो शादी के बाद अपने आप पता चलेगा ना। क्या? लेकिन मुझे नहीं करनी ये शादी। क्यों क्यों क्यों? अरे क्या, कुकी को कितना बुरा लगेगा? वो तो गई गई गई। हाँ, कुकी गई, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारी तरह मुझे आसपास घूम रही है, उसका क्या? ये लो, जाओ जाओ, मुझे दो तीन इम्पोर्टेंट फोन करना है। पुष्पा, मेरी जान, मेरी जान प्यारी पुष्पा, कब मिल रही हो? आज कितने बजे? 9 बजे? क्या कर रही हो? मैं साफ कर रही हूँ। अंदर नहीं डाली, वो जरा मेरी नौकरानी थी। हाँ, 9 बजे कहाँ मिलेंगे पुष्पा? गार्डन में, पास वाले। ओके, डन डार्लिंग, डन। ला 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 लल्ला, चंचल चंचल मेरी प्यारी चंचल, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए चंचल, कहाँ मिलेंगे हम? 9 बजे? नो 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 डार्लिंग, 9 बजे मैं जरा बिजी हूँ, 12 बजे मिलते हैं। कहाँ? होटल मौज मस्ती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ मौज मस्ती करेंगे। क्या कर रही हो? इडियट, मक्खी मक्खी बैठी। ला 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 ला, चमेली चमेली चमेली, क्या कर रही हो? अरे मेरी नौकरानी चमेली, कैसी हो यार? अरे कब मिल रही हो चमेली? आज कब, कहाँ? मेरे घर पर। हाँ, आ जाओ रात को आ जाओ, और यही सोना चमेली। ओके बाय। सुनो यार नौकरानी, आज रात को मेहमान आने वाला है, घर को ठीक कर लेना, समझी? मैं इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके। अरे कैसी हो गंगा? मौसी अच्छी हो? कोकी, गंगा मौसी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? गंगा मौसी, फिर से मुझे कभी ऐसी नसीहत नहीं देना। क्या हुआ लेकिन? अरे तुमने तो कहा था ना कि पति का प्यार देखना तो एक बार मर के देखना। हाँ हाँ बिल्कुल कहा था, तुमने मुझे मरवा दिया। अरे हुआ क्या लेकिन? गंगा मौसी, पति का प्यार देखने का मौका आज मुझे 3-3 बार मिलने वाला है। प्यारी पुष्पा, प्यारे केशव, प्यारी पुष्पा, प्यारे केशव, I love you प्यारी पुष्पा, I love you प्यारे केशव। ये देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? अंगूठी। डार्लिंग इसे अंगूठी नहीं कहते, अरे ये तो एंगेजमेंट रिंग है। लेकिन ये तो ढीली है। हाँ तो ढीली तो होगी ही,
कोकी की जो है गई गई, मेरी अंगूठी भी गई। लगता है कोकी केशु तुम्हारे गम में पागल हो गया है। पागल वो नहीं, मैं हो रही हूँ गंगा मौसी। छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। घर नहीं घर नहीं, अब जाएंगे होटल मौज मस्ती पति का प्यार नंबर 2 देखने के लिए। चलो डार्लिंग चंचल, डार्लिंग केशव, डार्लिंग चंचल, डार्लिंग केशव। बताओ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाए हो? सोने के ये प्यारे प्यारे कंगन। वाह, ये कंगन मेरी माँ की और उसके बाद मेरे बच्चे की माँ की आखिरी निशानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना होगा? चिंटू भी तो तुम्हारा बच्चा ही है। क्या मतलब? हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सब झंझट मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चिंटू को कहीं दूर दूर बोर्डिंग में भेज देंगे। ओके, अब खुश। लाओ चंचल, मैं तुम्हें अपने हाथों से ये प्यारे प्यारे कंगन पहनाता हूँ। गए गए मेरे कंगन, गए गंगा मौसी। तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। तीसरी लड़की कहाँ आ रही है? मेरे घर। चमेली, प्यारी चमेली, आओ आओ आओ, बैठो 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 डार्लिंग, बैठो। तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर है। चमेली जान, कल से ये घर तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? अरे वाह, क्या कैसे? कल मैं तुमसे शादी जो करूंगा। ये देखो डार्लिंग, क्या है ये? वाह, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र कोकी का है। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ। केशु, पकड़ लिया? हाँ, कोकी की बच्ची। बताओ, अब जाओगी तीर्थ यात्रा पर? सॉरी सॉरी, कभी नहीं।